आपके समक्ष एक ऐसा प्रत्याशी हमने रखा है जो आपके लिए समर्पित है। जनसेवा इनका लक्ष्य है। हां, 3-2 साल पहले तक इन्होंने राजनीति नहीं अपनाई थी। इनको राज्यसभा में हमने पहुंचाया क्योंकि हम चाहते हैं कि उस रास्ते पे चल के मध्य प्रदेश के केवल नहीं, जबलपुर का केवल नहीं, लेकिन पूरी देश की सेवा तनखा साफ कर पाए। पर आज इन्होंने निर्णय लिया है कि राज्यसभा के रास्ते के द्वारा नहीं, लेकिन जनता की अदालत के रास्ते के आधार पर, आपके आशीर्वाद के तहत, आपके बरदहस के तहत, आपके प्रेम के तहत, इस माटी की सौगंध खाकर आपके आशीर्वाद के आधार पर ये जबलपुर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार। अब निर्णय आपको लेना है। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो अतिथि आ रहे हैं 26 तारीख को, 5 साल बाद। पिछले बार आए थे, कह रहे थे सबको देखा बारंबार, हमको देखो एक बार। अब दोबारा आ रहे हैं 5 साल बाद। इसके बाद भगवान जाने दोबारा 5 साल बाद आएंगे या 10 साल बाद आएंगे। अब आना ही नहीं है उनको। चुनाव कहीं भी कर लो, इन भाजपाइयों को मैंने देखा है चुनाव के दरमियान, जब आपके यहां खुशी की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में आप उनकी आवाज, हमारी आवाज पाओ या ना पाओ, लेकिन भगवान ना करे अगर आपके यहां कभी भी दुख की आवाज गूंजी हो, तो उसमें कांग्रेस का एक एक सिपाही आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका दुख बांटने के लिए तैयार होगा। सत्य है। तो निर्णय आपका है। एक वो सोच है, वो सोच है एक नया इंडिया का, एक नया इंडिया जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो, एक नया इंडिया जहां किसानों के ऊपर अत्याचार हो कि वो फांसी के फंदे चूमने के लिए, जहां GST कहते हैं व्यापारियों को कुचला जाए, एक नया इंडिया हो जहां स्वतंत्रता संघर्ष संस्थाओं को के ऊपर अंकुश लगाया जाए, एक नया इंडिया हो जहां नौजवान बेरोजगार होता जाए, एक नया इंडिया इनका जहां नीरव भाई और मेहुल भाई हजारों करोड़ लेकर विदेश रफा दफा हो जाए, एक नया इंडिया जहां दलितों पर अत्याचार हो, एक नया इंडिया जहां नौजवान बेरोजगार हो। तो एक तरफ ये मोदी जी की नई इंडिया है जहां कहते हैं मन से 15 लाख, याद है, अच्छे दिन आएंगे। मैं आपको कहता हूं इस मन से, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है और ये विश्वास आपको दिलाता है कि अगर कांग्रेस का परचम आपने यहां लहराया तो अच्छे दिन नहीं, हम सच्चे दिन आपके लिए लेके आएंगे। वो मोदी जी का मॉडल, जिस मॉडल में उन्होंने कहा था भाई और बहनों, याद है, अगर याद नहीं तो 26 तारीख को याद कर देना। मित्रों, पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं,
डीजल के दाम घट जाए या नहीं, अभी मजा नहीं आया, डीजल के दाम घट जाए या नहीं, रसोई गैस का दाम घट जाए या नहीं, 5 साल बाद क्या होगा? कहा था इन्होंने कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे मुंबई से अहमदाबाद तक। बुलेट ट्रेन तो नसीब नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम बुलेट की तरह सत्ता ही उगलता है। बहुत बढ़िया, पेट्रोल का दाम 65 रुपया से सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी लग गई, डीजल का दाम 50 रुपए से 70 रुपया और रसोई गैस का दाम 1000 रुपया और वो भी दोबारा रिफिल नहीं होता। और कहा था इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी आपके सरकार में तो रुपया अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गया है, मोदी जी आपके 5 साल के राज में आपने तो रुपया को आईसीयू से शमशान घाट पे पहुंचा दिया है। पूरे बैंक खाली हो गए, चुनाव आता है ठोक ठोक के कहते हैं, कसम गीता की हम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये देश की धर्मनिरपेक्षता, ये देश की उदार विचारधारा, ये देश की सांप्रदायिक सद्भाव हर भारतीय देशवासी के कण कण में है। आपको और हमें किसी राजनीतिक दल से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये वो देश है जिस देश में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की कहानी एक एक बच्चे को याद है। ये वो देश है जहां आप और हम मिलकर एक रमजान मनाते हैं, एक ऐसा रमजान जिसमें एक राम होता है। और ये वही देश है जहां आप और हम मिलकर बड़े जश्न के साथ एक दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली जिसमें एक अली होती है। मोदी जी, ये इस देश की माटी की महक है और अगर कोई व्यक्ति या कोई दल इस महक को कुचलने की कोशिश करे तो मेरी देश की 125 करोड़ जनता इस देश की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण जीवित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आज चुनौती आपके सामने विकास का है, इस क्षेत्र में बड़े लंबे अरसे से कई मांगे आज तक वंचित रह चुकी हैं क्योंकि आपका सांसद एक इतने बड़े महाशय हैं कि आप कोई भी कठिनाई लेके जाओ, मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है, हारे लो सांसद। तो आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा है जो इस माटी की सौगंध खा के कह रहा है कि आपका हर विषय इनका ही विषय होगा। तो चाहे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाना हो,
चाहे पुरानी शास्त्री ब्रिज के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की बात हो, चाहे इस रामपुर क्षेत्र में 100 बिस्तर की अस्पताल की बात हो, चाहे ग्वारी घाट में एक आधुनिक स्टेडियम बनाने की बात हो, मैं आपको कहता हूं कि आपके सामने एक कुशल जनसेवक, संकल्प जनसेवक आपके सामने है, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बर्दाश्त के लिए, आपके प्रेम के लिए। आप इनको प्रेम दोगे, बर्दाश्त दोगे, आशीर्वाद दोगे, ये आपको अपने जीवन के 5 साल नहीं देंगे, अपना पूर्ण जीवन आपके लिए संकल्प करके निछावर कर देंगे। तो निर्णय आपका है, निर्णय आपका है कि अगर आप मत सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हो, जो सत्य कांग्रेस की है, जिस कांग्रेस ने हर किसान का कर्जा माफ किया, जिस कांग्रेस ने सरकार में 2 महीने में आते ही लोगों का पेंशन बढ़ाया, जिस सरकार ने बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपया प्रति माह 100 दिन की रोजगारी देने का कैबिनेट का निर्णय लेके मध्य प्रदेश के नौजवानों का उत्साहवर्धन किया, तो क्या आप सत्य के रास्ते पे चलोगे या आप मिथ्या के रास्ते पे चलोगे? वो मिथ्या जो 26 तारीख को आएंगे और कहेंगे कि 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती से ये देश नहीं चलता, 56 इंच के दिल से ये देश चलता है।